देखिए, किसी भी सरकार को एक साल का समय जो होता है वो उनके लिए क्या बोलते हैं, हनीमून पीरियड होता है, और इसलिए हमने हनीमून पीरियड में डिस्टर्ब नहीं किया। परंतु आज अब दो साल पूरा होने जा रहा है, और दो साल के बाद भी अगर सरकार कोई काम नहीं कर रही है, सरकार कोई जनता के भले के लिए कोई विकास के काम नहीं कर रही है, किसानों के भले के लिए काम नहीं कर रही है, नौजवानों को नौकरी नहीं दे रही है, तो ऐसे समय पर अभी सरकार के खिलाफ में आंदोलन करना, बिगुल फूकना स्वाभाविक है। अब सरकार को भी तैयार होना हो जाना चाहिए, चाहे वो रेत में भ्रष्टाचार कर रहे हों, कोयले में भ्रष्टाचार कर रहे हों, शराब में भ्रष्टाचार कर रहे हों, जमीनों में भ्रष्टाचार कर रहे हो, हर चीज़ में ये सरकार जो है सिर्फ माफिया राज चल रहा है। और अब जनता भी उद्वेलित हो रही है, जनता भी साथ में आ रही है। ये पाटन में कल का जो आंदोलन है वो इस बात को दिखाता है।